हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NMIR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल यूरेथ्रा। पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था मेल यूरेथ्रा, और इस लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल यूरेथ्रा कैसा होता है। जो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो छोटा होता है एज़ कंपेरिजन टू मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा क्या काम करता था, वो बॉडी से यूरिन बाहर निकलता था और सेमन भी बाहर निकलता था। लेकिन जो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकालता है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये जो फीमेल यूरेथ्रा होता है ये सिंपल एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। तो अगर इसके डायमेंशन देखेंगे, ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसका जो ये लॉन्ग 4 सेंटीमीटर होता है लेकिन इसका डायमीटर 6 mm होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऑरिफाइस ऑफ द ब्लैडर, और एंड हो जाता है एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रम ऑरिफिस। अब देखते हैं ये जो फीमेल यूरेथ्रा है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल यूरेथ्रा का, ये कंपोजिट होता है 2 लेयर्स का। सबसे पहला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं आउटर मसल कोट, और जो दूसरा लेयर होता है उसको बोलते हैं इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आउटर मसल कोट। ये जो आउटर मसल कोट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो बना होता है 2 मसल का। एक होता है स्ट्रेटन मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स। अब जो ये जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये ट्यून अप करते हैं यूरेथ्रल लीमन को ओवर लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत देर तक जब हम यूरिन पास नहीं करते हैं तब इस यूरेथ्रा को ट्यून अप करने के लिए स्मूथ मसल का काम करते हैं। और ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये प्रेजेंट जो होते हैं इसमें मसल फाइबर्स, ये एक्टिव होते हैं ज्यूरिंग मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन जो होती है, मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास होना ब्लैडर से, तो उसको ये जो मसल फाइबर उस टाइम पे ये एक्टिव रहते हैं। दूसरा जो लेयर होता है फीमेल यूरेथ्रा का वो होता है इनर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दूसरा एक और लेयर से बनता है जो सपोर्टिव लेयर होता है उसको बोलते हैं फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू रहता है, फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। ये जो लैमिना प्रोप्रिया जो होता है इसमें बहुत सारी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो इसी के थ्रू एक नर्व पास हो जाती है, लेमना प्रोप्रिया के थ्रू एक नर्व पास हो जाती है। उस नर्व का नाम है कोलिन एस्टरेस, एस्टाइल कोलिन एस्टरेस, ये पास हो जाती है लेमना प्रोप्रिया। इसके बाद देखेंगे जो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है उसमें आरटीएल ब्लड सप्लाई कौन करता है। दो चीज़ें ब्लड सप्लाई करते हैं फीमेल यूरेथ्रा को, एक होता है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, दूसरा होता है वेजिनल आर्टरी। ये दोनों ब्लड आर्टरियल ब्लड सप्लाई करते हैं फीमेल यूरेथ्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिनरी कॉन्टिनेंसी। ये जो यूरिनरी कॉन्टिनेंसी क्या होते हैं, यूरिन लीकेज होना, अनकंट्रोल्ड यूरिन निकलना हमारे यूरेथ्रा से बाहर, उसी को बोलते हैं यूरिनरी कॉन्टिनेंस, या इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होती है ये दोनों में होती है, मैन एज वेल एज वुमेन, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये वुमेन में होती है। इसके कुछ रीजन्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, कुछ रीजन्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापे में भी यूरिन लीकेज होती है, उसी को बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो बुढ़ापा एक एजिंग भी मतलब एक रीज़न होता है इसका, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दूसरा जो रीज़न होता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से भी जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूरेथ्रा से यूरिन अनकंट्रोल्ड लीक होता है, तो वो भी एक रीज़न होता है इसके लिए। तीसरा रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे भी अनकंट्रोल्ड यूरिन लीक हो जाता है यूरेथ्रा से। एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी यूरिनरी ट्रैक्ट में तो वो उससे भी ये जो यूरिन होता है वो लीकेज हो जाता है।
तो एक होती है, नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है मेडिकेशन। किसी ने ऐसी दवाई खाई है जिससे मतलब उसके साइड इफेक्ट से जो यूरिन होता है वो लीकेज होता है, तो वो भी एक रीज़न होता है। लास्ट वाला जो होती है मेडिकल कंडीशन, मतलब किसी को अगर अस्थमा होगा तो अस्थमा ज़्यादा खांसी आती है, तो उससे भी क्या होता है ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मतलब जो यूरिन होता है वो अनकंट्रोल्ड लीक हो जाता है हमारी यूरेथ्रा से। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दिखाया है फीमेल यूरेथ्रा का। ये जो होता है ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है, तो यही से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ब्लैडर होता है ऊपर, ये जो होता है जब ये इसमें यूरिन होता है ये बंद हो जाता है, ये नीचे आने नहीं देते हैं, मतलब तभी ये नीचे यूरिन आएगा जब ये स्पिंक्टर खुलेगा। और ये जो स्पिंक्टर खुलता है ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। फिर क्या होता है, अब यूरिन यहाँ पे आ गया इसमें यूरिथ्रा में, तो ये जो स्पिंक्टर होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर, ये तभी मतलब यूरिन तभी पास हो जाएगा यहाँ से जब इसको अलाउ करेगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर। तो ये हो गया आज का फीमेल यूरिथ्रा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।